اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلة وانت تجعل الهزم اذا شئت سهلة ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما امين يا رب العالمين अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के ख़ास करम से हमने कल शरा आले इमरान शुरू की थी अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इस कश्ती में सवार हैं एक तो हमें इस कश्ती में जोड़े रखे इस इसके रौनकों में इजाफ़ा करें और हमें इस्तकामत नसीब करे कि हम इस सफ़र पर कायम और दायम रहें हमें अल्लाह ताला सही और वाज रहनियाँ आता फरमाए और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जो कुछ सीख रहे हैं जो समझ रहे हैं ना सिर्फ वो हम अपनी ज़िंदगी में अपने फ़ायदे के लिए दीन और दुनिया के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें बल्कि हमारे इस समझने से दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे आमीन जारबलमीन तो अपने दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत कलाम से कल हमने जो छः आयात सूर्य आल इमरान की पहली छः आयात हमने देखी थी उसमें सूरा इमरान का आगाज़ मीम जो हरूफ़ मुक्तात हैं और फिर अल्लाह ने अपनी कुछ अजमत की जो निशानियाँ जो कुर्सी में बताई थी उनमें से पहले हिस्से का यहाँ पर तस्करा किया अल्लाहायम अल्लाह तो वो मबूद है जिसके स्वाह कोई और परस्तिश के लायक नहीं वही अज है और वही अलयूम है वही जिंदा है और सब चीज़ों को ज़िंदा करने वाला है और वही ख़ुद कायम है और बाकी तमाम चीज़ें उसी के उसी के मरहून मिन्नत है कायम करने में हाँ उधर देखो तो फिर उसके बाद जैसा कि कल ज़िक्र हुआ था कि ये जो सूरा है सूरा आल इमरान इसमें जो ख़िताब होगा वो खसूस जो ईसा सलाम के मानने वाले हैं क्रिश्चन जो हैं उनके बारे में होगा या उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन या इस मुबारक में है उसके अलावा बाकी बहुत सारे मौजूद जो हैं वो जेर बहस होंगे तो अल्लाह ताला ने शुरू में ही फरमा दिया कि वो अल्लाह ही है जिसने किताब उतारी जो हक़ के साथ जो तस्दीक करती है कि इससे पहले जो किताबें आई थी वो भी और उन पहली किताबों में तोरात और इंजील जो हैं वो शामिल हैं और जो पहली किताबें हैं वो भी लोगों के लिए हदायत और रहनुमाई का बासं और ये फ़ुर्क़ान जिसको उतारा ये भी वाज तौर पर हक और बातल में फ़र्क करने वाली और तमीज़ करने वाली किताब है लेकिन वो लोग जो इन आयात का इनकार करते हैं किसी भी तरीके से यकीनन उनके लिए एक सख्त अजाब जो है वो एक मंतज़र है और अल्लाह ताली के अल्लाह ताली से तो कोई भी चीज़ मखफी नहीं चाहे वो ज़मीन में है या चाहे वो आसमान में है इस कायन में अल्लाह से कोई भी चीज़ मफ्फी नहीं उसके सामने सब कुछ हाजिर है हमारे लिए कुछ गायब की चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं या हमारे सामने नहीं अल्लाह के सामने तो हर चीज़ मौजूद है ज़ाहरी भी बातनी भी जो हो चुका वो भी जो होने वाला वो भी और फिर यहाँ पर वाज अल्फाज में अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल्लाह ही है जो माँ के पेटों में सूरतों को बनाता है जिस तरह से वो चाहता है उसकी ज़ाहरी शक्लो सूरत उसकी आदतें उसके उसके मतलब हद वाल पूरी ज़िंदगी के वो अल्लाह ही के हाथ में है और अल्लाह जो है वो सब पर गालबुर वाला है तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था आज हम आयत नंबर सात से शुरू करते हैं इन उुब्म शही अल्ला वही वही है अल्लाह जी जिसने उतारा या उतारी नाजल की किताब आप पर किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम वसल्लम से किताब है कि आप पर वही अल्लाह है जिसने आप पर किताब उतारी मिन हूँ इसमें आयातुम महकमा कुछ आयात मुहकम है कुछ आयात बहुत वाजह हैं कुछ आयात बहुत आसान और सीधा सादी तर्जमा रखने वाली सीधी समझ बूझ वाली बहुत वाज महकम आयात हैं हन्ना वही वही आयात जो महकम आयात हैं उमुल किताब उमुल किताब हैं किताबों की किताब की माँ हैं या किताब की असल हैं, किताब की असल जड़ हैं, वाह उखर और कुछ दूसरी मुतशाबात मुतशाबे हैं आयत का ये हिस्सा जो है ये समझने के काबिल है इसमें कुछ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी हैं और कुछ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी हैं तो आयत के पहले हिस्से में अल्लाह ताला कह रहे हैं लजी अन्द कल किताब मनु आयात महकमात कि वही अल्लाह है जिसने ये किताब आप पर उतारी सल्लम जिसमें कुछ आयात जो हैं वो तो महकम है हुन्ना हुन्ना नमुल किताब वो महकम आयात जो हैं वो असल किताब हैं वह अवारतश और कुछ मतशबे हैं अब महकम आयात और मतशब आयात कौन सी हैं महकम आयात इस क़ुरान में इस किताब में ज़्यादातर आयात जो हैं वो महकम हैं महकम यानी बहुत वाज़ बहुत वाज़ बहुत आसान बहुत सीधा साधा मतलब रखने वाली बहुत आसानी से समझ आने वाली और इन आयात की मिसालें जो जो अल्लाह ताला ने दिए, नहीं वो मुनकर या जिनको करने का और जिनको ना करने का हुक्म दिया वो सारी की सारी आयात जो हैं वो महकम आयात हैं वो आसान आयात हैं जिनके ऊपर मिनो अन अमल करना हमारे लिए लाजम मलज़ूम है हमारे ऊपर कहले के फर्ज है जैसे जैसे कोतिब रोजे की फर्जियत रोज़ा फ़र्ज कर दिया गया जक़ात फर्ज कर दी गई नमाज की फर्जियत उसके अलावा और बहुत सारे अहकाम जो हैं उनकी फर्जियत बहुत वाज वाज़, वाज़ अंदाज़ में बहुत वाज अहकाम के साथ हमारे ऊपर बयान की गई जिनके ऊपर बगैर किसी शद्दोमद के नंबर एक समझना जिनको आसान है बहुत वाजह है और नंबर दो जिनके ऊपर अमल करना बगैर किसी चूँ चिरा के बग़ैर किसी मतलब कजी के बग़ैर किसी बगैर किसी शक के वो हमारे ऊपर लाजिम है जिस तरह से पहले जिक्र हुआ था ये पिछली सूरह में जब सूद के बारे में सूद की हरमत की आयात आई थी तो अल्लाह ताला ने कहा था कि सूद को तुम्हारे लिए हराम करार दिया जबकि तजारत को हलाल कर दिया अल्लाह ताला ने सूद को हराम किया लेकिन कुछ लोग जो हैं, वो कहते थे कि सूद भी तो एक तजारत की तरह ही है जबकि अल्लाह ताला ने सूद को हराम किया और तजारत को हलाल किया अब सूद जो है वो क्या है बहुत अंदाज में पैसे के ऊपर कुछ इजाफी रकम वापस तलब करना बगैर किसी नुकसान के अंदेशे के वो सूद है अब इसमें हमारे ऊपर फर्ज है कि हम सूद को अपने ऊपर हराम समझें और सूद से बचें बजाय उसके कि उसमें कजी उसमें तावीलें करें जैसे कि पिछली उमतों ने किया कि सूद भी तो कारोबार की तरह है कारोबार में पैसे लगाते हैं एक लाख रुपया लगाया और प्रॉफिट जो है दस हज़ार प्रॉफिट मिल गया यानी एक लाख दस हज़ार रुपया वापस मिल गया लेकिन सूद जो है वो और चीज़ है कारोबार तिजारत जो है वो और चीज है अल्लाह ताला ने तक बहुत वाजे कर दी इसी तरह से रोजे की फर्जियत नमाज की फर्जियत ज़कात की फर्जियत और बल्कि सारे बहुत सारे अहकाम जो बहुत वाजे हैं जो हम पर फर्ज हैं जो हम पर बहुत खुले अंदाज में वजाहत के साथ मौजूद हैं लेकिन कुछ आयात जो हैं वो मतशाबे हैं मतशाबे का मतलब एक दूसरे से एक तो ये है एक दूसरे से मिसाल के तौर पर बयान की जाने वाली आयात मिलती जुलती आयात कुछ हद तक गैर वाज आयात जिसमें कुछ अंदाजा होता है उन चीज़ों का या उन बातों का लेकिन उनकी असल हकीकत क्या है उसको समझना हमारे लिए मुश्किल है या उसको समझना जो है वो इतना आसान नहीं उसकी मिसाल जो मुबहम जो गैरमत जो जो मतशबे आयात है उनकी उनके उनकी मिसाल मिसाल के तौर पर जन्नत का जिक्र किया अल्लाह ताला ने हमें बताया कि अच्छे और नेक आमाल करने वाले जो हैं जो वो जन्नत में जाएंगे जो वो वो मोमिन जो अल्लाह पर उसके रबियों पर उसके रसूलों पर उसके फरिश्तों पर ईमान लाते हैं और उनके अमाल जो हैं वो साले हैं नेक हैं सारी उम्र उन्होंने अच्छी कमाई की वो जन्नत में जाएंगे अब जन्नत क्या है जन्नत एक ऐसी चीज एक ऐसी जगह है जिसका हम इस दुनिया में तखयल या उसकी असल हकीकत क्या है वो हमारे लिए जानना मुमकिन नहीं लेकिन अल्लाह ताला ने उसको मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कुछ उसका नक्शा हमारे जहनों में वाजे करने के लिए हमें मिसाल दी दुनिया में जो जन बाग़ात हैं उनकी दुनिया में जैसे बागात हैं हरे भरे उसमें दरख्त हैं उसमें फल फूल है, हैं उसमें पौधे हैं बहुत ही ख़ूबसूरत लैंडस्केपिंग हैं और अगर उसके पास साथ कोई नहर बह रही है तो उसकी उसका जो मंजर है वो और भी ज़्यादा ख़ूबसूरत और दिलकश हो जाता है तो ये दुनिया में कुछ बागात जो हैं उसको उसकी सिर्फ मिसालें दी ताकि हमारे जहन में कुछ कुछ शबी बन सके कुछ इमेज बन सके जन्नत का लेकिन जन्नत की असल हैसियत उसकी असल शक्ल उसकी असल हैयत उसका असल नज़ारा क्या है वो हमारे लिए इमेजन करना मुमकिन नहीं हमारे लिए इमेजिन करना मुमकिन नहीं जिस तरह से जन्नत में जो बागत हैं जन्नत में जो फल हैं उनका जिक्र हुआ कि जब अहले जन्नत जो है वो जन्नत में जाएंगे तो उनको फल पेश किए जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये तो फल वही हैं जो हमें ये तो उससे मिलते जुलते हैं जो हमें दुनिया में दिए गए थे दुनिया की जिंदगी में लेकिन दर हकीकत वो उससे बहुत मुख्तलिफ होंगे तो वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने कुछ अंदाज़ा दिलाने के लिए हमें बयान की या जिनको बहुत वाजे अंदाज में हमारे लिए समझना मुमकिन नहीं है हाँ उनका थोड़ी बहुत समझ बूझ हमारे लिए मुमकिन है वो भी सिर्फ उससे मुतशाबा होने के लिए उससे सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ना कि उसकी असल हकीकत को हमारे ऊपर वाजे होने के लिए इसी तरह आग का जिक्र है जहन्नम का जहन्नम की खोलनाकी उसकी तबाही उसमें जो आग भड़काई जाएगी उसका जिक्र अब आग जो है वो कितनी शदीद होगी कितनी वो सख्त होगी वो हमारे लिए यहाँ पर जांचना मुमकिन नहीं वो आग कितनी कैसी होगी अब वो आग जो है वो जिस्मों को जलाएगी नावज जिस्मों को जलाएगी लेकिन मौत उसमें नहीं आएगी जो उसमें जलते रहेंगे जो उस आग में फेंके जाएंगे वो हमेशा उसी में रहेंगे और उनको मौत नहीं आएगी ठीक है तो मतलब अल्लाह ताला ने वो कैसी आग पैदा की है वो कैसी आग होगी हमारे लिए उसका जांचना मुमकिन नहीं हाँ हमें अगर अंदाजा करना है कि हम यहाँ पर हमें जो आग इस दुनिया में अवेलेबल है उसके आग के करीब हम अपनी उंगली या अपना हाथ ले जाएं हमें अंदाजा हो जाएगा कि आग जो है कितनी सख्त है लेकिन क़यामत की आग इससे कितने हज़ार दर्जे कितने करोड़ हाथ दर्जे ज़्यादा सख्त होगी उसका हम यहाँ पर अंदाज़ा नहीं कर सकते इसी तरह इल्म गैब है ग़ैब का इल्म अल्लाह ताला ने कहा कि ग़ैब का इल्म तो सिर्फ मेरे ही पास है अल्लाह ही के पास है अब हम यहाँ पर ग़ैब के इल्म को अल्लाह ताली ने हमसे जो पोशीदा रखी चीज़ें जो वक्त आने पर ही हमें बताई जाएंगी या पता चलेंगी वो हमारे लिए उनको जाँचना मुमकिन नहीं अल्लाह ने अपनी कुर्सी का जिक्र किया अर्श का जिक्र किया अल्लाह तला का अर्श कैसा होगा अल्लाह ताली की कुर्सी कैसी होगी ये हमारे लिए उसको इमेजिन करना मुमकिन नहीं अल्लाह ताली ने अपने जो अल्लाह की पिंडली जो है उसका जिक्र हुआ अल्लाह के हाथ का जिक्र हुआ लेकिन वो मानवीय अतबार से हम उससे कुछ मानी जो आखज कर सकते हैं कि हाथ से हम क्या काम लेते हैं अल्लाह ताला के हाथ का मतलब मतलब एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से दे देना इस तरह के मामला जो मानवी तौर पर हम कुछ अंदाजा कर सकते हैं लेकिन उसकी हईत उसकी सूरत वो कैसी होगी वो हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम वो समझ सकें और अगर हम कुछ मामला में अपनी हद से आगे जाएंगे ठीक है जैसे अल्लाह के हाथ का जिक्र हुआ अगर हम तो कोई तसवर करेंगे कि इस तरह से हाथ होगा तो हम गुमराह हो जाएंगे क्योंकि अल्लाह जो है वो बेमिसाल है अल्लाह की मिसाल तो किसी से किसी भी चीज़ से दी नहीं जा सकती उसको कंपैरिजन मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है तो हम उसको किसी सूरत किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते अगर हम ऐसी कुछ कोशिश करेंगे तो हम भटक जाएंगे हम गुमराह हो जाएंगे और ये भी अहतमाल है कि खुदा ना खासा हम कहीं शिरक के जुमरे में ना आ जाएं ये थोड़ी सी मैंने तफसील इसलिए बयान की कि आयत के अगले हिस्सों में हमें इसकी मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी ये चीज़ें समझने की तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी आयात मुहकम अंदाज में बहुत वाज अंदाज में बहुत शिद्दत के साथ हमारे ऊपर वाजे कर दी जो पहले हिस्से में है आयत के पहले हिस्से में कि जो बहुत सारी आयात वाजे हैं दरहकीकत फुल नाउमुल किताब दर हकीकत वही किताब की असल जड़ है यानी हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उन मुहकम आयात को पकड़ कर रखें वही असल किताब है असल किताब की असल हकीकत जो वही है हमें उनके उस, इनके साथ चिपक जाना है हमें उनके ऊपर अपना ईमान पक्का और पुख्ता रखना है और उसको तो किसी सूरत छोड़ना नहीं हाँ दूसरी कुछ मुतशब जो आयात हैं उनसे कुछ अंदाजा हमें मिलता है कि अल्लाह तला क्या कह रहा है आइंदा आने वाले हालात में क्या होगा हमें जन्नत मिलेगी तो उसके क्या फायदे हमारे लिए कैसे नज़ारे होंगे खुदा न खास्ता जहन्नम जो है वो कैसी होगी उस तरह के बहुत सारे मामला जो हों हमारे अंदाजे के लिए लेकिन उसकी तरफ बढ़ना उसको उसके ऊपर तहकीक करना उसमें ही घुसते जाना ये हमारे लिए बेहतर नहीं हाँ कुछ हद तक जहाँ तक अल्लाह ताला ने हमें फहम दी अकल दी और जहाँ तक हम अपनी सोच को महदूद हमारी अम, अम, सोच जो महदूद है वहां तक हम उसके ऊपर जस्तजू करेंगे आगे बढ़ते हैं अगले हाय के अगले हिस्से की तरफ अमल लजीना पस रहे वो लोग के फी कल उनके दिलों में जय कजी है उनके दिलों में टेढ़ है कुछ वो लोग हैं जिनके दिलों में कजी है टेढ़ है फयत्ता भी ओना तो वो सब पीछे पड़े रहते हैं वो सब पैरवी करते रहते हैं तब तब तभी ओना पैरवी करते रहते हैं वो सब पीछे पड़े रहते हैं बहा जो, के हैं, जो हैं वो आयात जैसे ऊपर जिक्र हुआ कुछ आयात जो है मतशाबे हैं जिनकी असल हकीकत जो है वो हमारे ऊपर हंड्रेड परसेंट सही अंदाज में वाज नहीं और जिसकी असल हकीकत तक पहुँचना हमारे लिए मुमकिन नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में टेढ़ है जिनके दिलों में कजी है जिनके दिलों में नक्स है जिनके दिलों में फितना है वो ऐसी आयतों के पीछे पड़े रहते हैं जो मुतशबे हैं जो गैर वाजे हैं मिन मिनि इसमें चाहने के लिए अलफनाती फितना, फितना उसमें से फितना चाहने के लिए यानी फितना बर्पा करने के लिए फितना कायम करने के लिए या फितने को फ़र्व देने के लिए वो उनके पीछे उन आयत के पीछे पड़े रहते हैं तेवा तलाश करते हैं अवीली ही उसके मानी उसके मानी उसकी असल हकीकत को तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं अब ये आयत का दूसरा हिस्सा हमारे लिए बहुत हम अहम है कि हम इसको भी समझें आयत के पहले हिस्से में कुछ ज़्यादा तफसील जो है वो बयान हुई कि आयत का कुछ कुछ आयत मुहकम है और कुछ मतशाबहत हैं उन मतशबहत को ज़्यादा डिटेल ज्यादा कांट छांट करना ज्यादा डिटेल में जाना उनके ऊपर ज्यादा तहकीक करना अपने इलम के हद से बढ़ कर वो गुमराही का सबब होता है और यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हद से बढ़ जाते हैं जिनके दिलों में कजी है जिनके दिलों में टेढ़ है जिनके दिल जो है वो फितना बपा करने के लिए हैं वो क्या करते हैं वो जो मतशाबे आयात हैं जो गैर वाज़े आयात हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तहक़ीक करना भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं जिनके ऊपर जो अल्लाह ताला ने हमें जितना बता दिया उसके ऊपर ईमान लाना हमारे लिए काफ़ी है वो उन आयात को पकड़ते हैं और उनमें ही आगे बढ़ते जाते हैं फितना बपा करने के लिए और उसकी असल हकीकत को तलाश करने के लिए उसकी मिसालें देते हैं इसकी मिसालें हम अगर समझें कि आज अल्लाह कह दिया कि गैब का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह ही के पास है नबी करीम सल वल्ला के अल्लाह ने कुरान में वाजल अल्फाज में नबी करीम सल वल्लम से कहा कि उनसे कह दीजिए ये बात बार बार आपसे सवाल करते हैं उनसे कह दीजिए कि ग़ैब का इलम तो सिर्फ अल्लाह ही के पास है ठीक है उसके बावजूद ये बहुत वाजल अल्फा में अल्लाह तता दिया कि ग़ैब का इलम अल्लाह ही के पास है उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग़ायब के इल्म को नबी करमल व्लम से मनसूब करते हैं और उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं उन्होंने कुछ अपने अपने अ, मतलब अमाम बनाए हुए हैं कुछ उनकी अपनी शख्सियत हैं जिनकी वो परस्तिश करते हैं परस्तिश करना मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज, वो वो उनसे ही बहुत सारी बातें सच्ची हैं जूटी हैं मंजूब करते हैं हजरत अली हजवेरी के नाम से हज़रत मतलब और भी बहुत सारे हैं मैं इस वक्त ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता उनके साथ मनसूब करके कैसे कैसे वाकयात हैं और उनके पास कैसे इल्म गैब है और कैसे नौज बिल्ला उन्होंने उनके मोजात जो जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये सारी चीज़ें तो सिर्फ मेरी ही तरफ़ से हैं ठीक है और ख़ास कर गैब का इल्म तो सिर्फ मेरे ही के पास है उसके बावजूद अगर कोई इंसिस्ट करता रहे कि नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी पास भी गैब का इल्म है हाँ जितना अल्लाह ताला ने उनको दिया और जितना उनको मुनासिब लगा उन्होंने हमें बता दिया इससे आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए इससे आगे क्या है अल्लाह कहता है कि गैब का पूरे का पूरा इल्म मेरे पास है तो हमें इस पर ही इकतफा करना है इससे आगे बढ़ना हमारे लिए एक तो गुमराही का बायस है दूसरा फितने का बायस है और उससे आगे बढ़ेंगे तो हम अल्लाह के रस्ते से भटक जाएंगे इसी तरह से अल्लाह ने कहा कि आ, कि के मतलब मिसाल के तौर पर आ, ऐसे आयात है कि कुल्लू फाला Yes, uh, यानी कि हर में फर्की इस दुनिया में इस काय में जितनी चीजें मौजूद हैं जितने मौजूद हैं वो अपने मदार में तैर रहे हैं वो अपने मदार में तैर रहे हैं दे आर फ्लोटिंग ऑन देर ऑन देर ऑर्बिट्स ठीक है अब कुछ सौ साल पहले दो सौ साल पहले तक तो ये आयत जो है ये हमारे लिए मतशाबे थी ये आयत हमारे लिए मुतशा थी क्योंकि कैसी है ये जमीन ये सूरज ये चांद ये सितारे वो कैसे हैं वो कैसे तैर रहे हैं ठीक है वो कैसे तैर रहे हैं ये जानना मुमकिन नहीं था उस वक्त ये आयत जो है ये मुतशाबे थी ये ये इसके ऊपर अल्लाह ने जो कह दिया उसके ऊपर ईमान लाना और उसको ही सच और हकीकत समझना ये हमारे लिए जरूरी था लेकिन आज के वक्त में हमें पता है कि जितने अजराम फलकी हैं वो वो एक किसी ना किसी तरह से तैर रहे हैं वो अपने मदार के गर्द तैर रहे हैं वो गर्दिश कर रहे हैं और पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो किसी दूसरे निज़ाम के तहत गर्दिश कर रहा है ठीक है में भी बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा ठीक है इसी तरह से जितनी जितनी भी मौजूदात इस कायनात में मौजूद हैं वो किसी ना किसी तरह से हरकत कर रही हैं वो तैर रही हैं अब कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है कोई भी गैर गैर जानदार चीज फॉर एग्जाम्पल पकड़ लें कोई पत्थर पकड़ लें या कोई टेबल है कुर्सी है मेज है आपके पास पड़ा हुआ है ठीक है आपको तो ये लगता है कि ये एक गैर यानी कि गैर हयाती चीज है यानी एक न, एक मुर्दा चीज है जिसमें जिंदगी के आसार नहीं लेकिन अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे तो उनमें भी जिंदगी मौजूद है अगर उन पर डीप जाएंगे तो डीप जाते 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 उसको छोटे टुकड़े करते करते चले जाएं तो आप एटम तक पहुंच जाएंगे अब साइंस का अलम रखने वाले बल्कि आम तौर पर हमें पता है कि एटम क्या है अब एटम को भी जब आप फर्दर तहकीक करेंगे तो उसमें भी आपको जान नजर आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नजर आएंगे जो अपने मिदार के गिरद हरकत कर रहे हैं घूम रहे हैं उससे भी तव, अंदर तफसील से चले जाएंगे तो उसमें हमें और भी चीज़ें मिलेंगी तो इस कायनात में जितनी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी सूरत में हरकत कर रही हैं किसी ना किसी मदार पर तैर तैर रही हैं फ्लोटिंग दे आर फ्लोटिंग अब अल्लाह ताला ते चौदह सौ साल पहले कुरान में वादे कर दिया उस वक़्त हमारे लिए जरूरी था उस वक़्त के सहाबा ने उस वक्त के मोमिन जो हैं उन्होंने हक अदा किया और इनको इसके ऊपर ईमान लाए आज हमें पता है कि ये चीजें जो हैं ये हकीकत हैं इसी तरह से बहुत सारी ऐसी गैर वाज आयात हैं जो हो सकता है आने वाले वक्त में हमारे ऊपर वाजे हो जाएं जैसे जैसे सात आसाम सब आसाम सात आसमान जो हैं शायद कोई वक्त आ जाए कि हमारे ऊपर वाजे हो जाए लेकिन आज की तारीख में वो हमारे लिए मतशबे हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि एक वक्त आएगा कि ये मतशाबे भी आयात हमारे ऊपर खोल कर वाजे कर दी जाएंगी क्योंकि अल्लाह जो है वो उसने सच बयान किया हक बयान किया और वह अपने हक को वाजे तौर पर के के साथ के साथ इंसाफ हम पर बयान करेगा जैसे जन्नत और दोजख क्यामत का दिन जब आएगा तो हम देख लेंगे कि जन्नत कैसी है और हमें अंदाजा हो जाएगा खुदा न खास्ता कि दोजख भी कैसी है खुदा न खास्ता हम अगर दोजख में जाए अल्लाह माफ़ करे तो दोजख के भी अंदाजे हो जाएंगे अल्लाह करे कि हम सारे के सारे जन्नत में जाएं जब जन्नत में जाएंगे तो वहां पर हमें दोज के बारे में कुछ कुछ चीजें जो है मालूम पड़ जाएंगी और हमारे ऊपर ये चीजें जो है जो वाजे हो जाएंगी लेकिन जो इस दुनिया में रह कर इन चीजों के पीछे पड़े रहते हैं दर हकीकत वो फितना ही तलाश करते हैं ठीक है अजराम फलकी से ये टॉपिक शुरू हो गया अब इजराम फलकी अल्लाह तला ने बहुत वाजे तौर पर ये ये हुक्म दे दिया कि सितारा शनासी सितारा शनाशी जो है वो हराम है सितारों का इल्म हिसाब किताब लगा के मुस्तबिल के लिए कुछ पेश गोई कर देना ये मना है ये ममनू है लेकिन आज हमारे देखें अगर माशरे में तो बहुत ही कसीर तादाद में लोग ऐसे हैं जो जो माँ जो फ्यूचर शनाशी जिसे कहते हैं फोरकास्टिंग जो आइंदा आने वाले हालात हैं उनकी खोज में रखे रहते हैं जो सितारों का हिसाब किताब लगाते हैं जो कुछ जमा तफरीक करके नाम पूछ के माँ का नाम पूछ के सितारों का हाल जो है वो बयान करते हैं और आने वाले हालात का जो है तस्करा करते हैं यह सारी चीज़ें जो ये दर हकीकत फितना ही है जो फ्यूचर का आने वाला वक्त जो है वो जब आएगा तब ही हमें पता चलेगा वो सिर्फ अल्लाह को पता है हमारे लिए आज के दिन में हम अपनी अकल अपने इस्तात अपने के मुताबिक जो भी बेहतरीन अमल है वो करेंगे तो इनशाला हमारे लिए उसका बेहतरीन अजर ही है तो बहुत सारी आयात के पीछे पड़े कहते हैं जो गैर मतशाबे हैं जो मतशाबे हैं जिनकी असल हकीकत तो सिर्फ अल्लाह ही को पता है लेकिन वो फितना बपा करने के लिए और उस उसके पीछे पड़े रहते हैं और उसकी कोई ना कोई तावील कोई ना कोई मतलब अपनी तरफ से घड़ के कोई ना कोई उसकी हकीकत जो है उसको बयान करने की कोशिश करते हैं वमा या आलमू हालांकि नहीं जानता उसकी हालाँकि नहीं जानता उसके असल मानी को वो शख्स जो है वो जो तवीले कहते है रहता है वो हालांकि नहीं जानता उसके असल मानी को अल्लाह मगर अल्लाह हालांकि उन जो मतशाब आयात हैं उनकी असल हकीकत उसके असल मानी मफहम को सिर्फ अल्लाह ही जानता है अल्लाह के सिवा उनको कोई भी नहीं जानता है वर्राह से ठीक है आयत का ये अगला हिस्सा आ गया अब वर्राह और जो पुख्ता लोग फिल इल्म में इल्म में इल्म में जो पुख्ता लोग हैं जो पुख्ता यकीन का इल्म रखने वाले जो लोग हैं वो लोग जिन्होंने इल्म हासिल किया और उन्होंने पुख्ता पुख्ता यकीन कर लिया कि अल्लाह के अहकाम का यकूलूना वो सब कहते हैं आमन्ना भी ही, हम उस पर ईमान लाए कुल सब का सब कि ये सब कुछ मिन एन दबी हमारे रब की तरफ से हैं वो जो पुख्ता यकीन रखते हैं जो पुख्ता ईमान रख रखते हैं जो पक्का रखते हैं जो इलम में पुख्ता हैं जो कुरान का उन्होंने सीख लिया और खासकर पिछली आयात में जो अल्लाह ताला ने जो महकम और मतशब आयात और उनके बारे में कुछ तफसीलात जो हैं हमने आज देखी जिसका इसको इलम हासिल हो गया वो लोग तो कहते हैं वो क्या कहते हैं आमन नही हम तो उस पर ईमान लाए कुल्ल ये सब का सब मिनना ये हमारे रब की तरफ से है यानी हमारे रब की तरफ से जो वाज आयात हमारे ऊपर आ गई हम उसके ऊपर ईमान लाते हैं उसके ऊपर यकीन रखते हैं उसी के ऊपर अमल करने के लिए तैयार हैं और जो मतशरब आयात हैं जहाँ तक हमें अल्लाह ने बताया जहाँ तक हमें हमारी अकल ने हमें समझाया वहीं तक उसको हम अपने आप को रोके रखते हैं और उससे आगे बढ़ते की कोशिश नहीं करते वो लोग जो हैं वही लोग हैं जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले हैं अल्लाह के आयात का मतलब और उसके ऊपर हकीकत में ईमान लाने वाले हैं वमा और नहीं हासिल करते इल्ला मगर मगरबाब अक्ल रखने वाले नहीं नसीहत हासिल करते मगर अक्ल रखने वाले नसीहत तो वही हासिल करते हैं जो अकल रखते हैं जो फहम रखते हैं जो अल्लाह ताला ने जितना उनको बताया उसके ऊपर यकीन रखते हैं जितना वो समझे उसके ऊपर वो अमल करते हैं और उसी के ऊपर इक्तफा करते हैं और अपनी हैसियत अपने इलम अपने हकमत के मुताबिक वो अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करते हैं वही अकल वाले हैं दर हकीकत आगे दुआ आ गई और ये दुआ बहुत ही खूबसूरत दुआ अल्लाह तला से दुआ है रबा ना ए हमारे रब वो दुआ मांगते हैं वही जो अहल इलम जो पुख्ता पुख्ता इलम वाले लोग हैं वो दुआ मांगते हैं रबा ना ए हमारे रब ला तो बना ना तू कजी पैदा कर ना तू टेड़ पैदा कर हमारे दिल में ना तू कजी पैदा कर हमारे दिलों में इसके बाद के जब जब इस हदायत हदायत ना तूने हदायतनेता कर दी तूने जब हमारे ऊपर को वाजे कर दिया तूने हक़ और बातल को वाजे कर दिया हमारे ऊपर जब हदायत को वाजे कर दिया तू जब हमें हदायत अदा कर दी तो हमारे दिलों में कजी पैदा मत कर और अता फरमा हमारे लिए का रहमा अपनी अपनी रहमत में में से अपनी खास में से खास कुछ हमें भी अता कर दी ए हमारे रब हमारे हदायत हम पर उपा, जो आपने वाजे की उस हदायत के आने के बाद हमारे दिलों में कजी पैदा मत करना हमारे दिलों में कोई टेड़ पैदा मत करना और अपने अपनी खास रहमत में से हमें कुछ अता फरमा आमीन जय रब्बुल आलमीन इन्नक अंतल वहा बेशक तू ही है सब कुछ अता करने वाला बेशक इस दुनिया में जितनी नेमतें हमारे ऊपर जितने इनामात हमारे ऊपर जितने जितने हमारे ऊपर आसानियाँ पैदा हुई जब सब अल्लाह की तरफ से हैं अल्लाह ही जो सब कुछ अता करने वाला है या अल्लाह हमारे दिलों में हदायत अता फरमा उस हदायत के वाजे हो जाने के बाद या अल्लाह हमारे दिलों में कोई ऐसी कजी कोई ऐसा गुमराहपन पैदा ना फरमा जिससे हम गुमराह हो जाएं और जिससे हम फितने की तरफ बढ़ जाएं और अल्लाह हमारी हमें अपनी खास रहमत रता फरमा बेश करने वाला है रबारे रब ए हमारे रब इना का बेश में वो जमा करने वाला है अन्नासी लोगों को बेशों को जमा करने वाले है लिजोमिन उस दिन के ला फी नहीं है कोई रैब उसमें नहीं है कोई शक उसमें नहीं है कोई रैब उसमें रैब जो है वो शक की एक उससे भी अगली किस्म है जिसमें कोई वहमो गमान भी नहीं किसी को तो दिन, उस उस दिन दिन वो सब लोगों को जमा करने वाला है इन अल्लाह बेशक अल्लाह ला युखलिफु नहीं खिलाफ वर्जी करता अलमियाद अपने वादे की बेशक अल्लाह जो है अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता अल्लाह ही है जो सब कुछ सबको जमा करने वाला है क़ियामत के दिन उस दिन के जिसमें कोई शक नहीं यानी क्यामत के दिन सबको जमा करने वाला है और उस दिन वो अपने वादों को भी पूरा करेगा और अल्लाह तला अपने वादों की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करता और कौन से वादा का जहां पर जिक्र है, जब क्यामत का जिक्र हुआ तो इंसाफ का जिक्र हुआ कि अल्लाह ताला इंसाफ करेगा और इंसाफ में इंसाफ भी ऐसा कि किसी में जरूरत नहीं होगी कि उसके ऊपर जरा बराबर भी शक कर सके कि कहीं कोई बेइंसाफी इंसाफी हुई है तो अल्लाह ताला इंसाफ के साथ जिसको जिसका आजर बनता है जो दुनिया में कमाई गई चीज़ें जो हम आख़रत के लिए दुनिया में वो कमाई हमारी जो हमने आख़रत के लिए कमाई अल्लाह ताला उसको उसके मुताबिक हमें ज़रूर उसका बदला देगा और अगर हमारी कमाइयाँ नेक हैं तो यकीन हमें उसका आजर अजर अजीम मिलेगा और ख़ुदा न खास्तः अगर कोई कमा, कमा, कमाई में कोई कमी कोताही है तो उसका उसके बदले में उसकी 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 सज़ा जो है वो भी हम वो भी मुंतज़र है तो अल्लाह ताला जो अपने वादे को पूरे करेगा इंसाफ करेगा और इंसाफ के साथ ही सब फैसले करेगा सुबह अम्मा यासीफून वालमीन सुबह अशदात आज एक आयत में कुछ ज्यादा तफसील में गए हम वो आयत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि हम अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो अहकाम वाजे करके रख दिए उनमें कुछ ज़्यादातर बल्कि सारे ही के अहकाम बड़े सादा से हैं हमें चाहिए कि जब सादा से अलफ़ हमें समझ आ जाए तो उनके ऊपर कोशिश करें कि जिस तरह से भी हम अमल कर सकें वो उस अमल को हम पकड़ें क्योंकि जब भी अल्लाह का हुक्म वाजे हो गया तो उसके ऊपर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी हो गया और ये साहबा करीम की सहाबा कराम रिजवान अजमाइन जो हैं उनकी ये बड़ी बहुत बड़ी खूबी थी जैसे ही वो किसी हुक्म को किसी हदायत को सुनते थे तो उसके ऊपर अमल की कोशिश करते थे एक सहाबी के पास एक सहाबी के बारे में नबी किम सलील्लम ने कुछ फरमाया तो वो वो एक दूसरा सहाबी जो है वो गया उनके पास और उनको जाकर फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए फरमाया कि अगर तुम्हारे बाल अगर उसके बाल जो है वो उसके तक होते यानी उस उनके बाल उन सहाबी के बाल जो है वो कंदू से नीचे थे और कंदू तक बाल रखना जो है ये सुन्नत है ठीक है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के बारे में फरमाया कि अगर उसके बाल कंदू तक होते तो मतलब वो सहाबी जो है उसने उनको टोक दिया सबसे पहले फौरन उसने जो भी उसका तरीका था उस तरीके से अपने बाल जो है वो कंदू तक किए फिर उसके बाद उसने पूछा और क्या फरमाया उसके बाद फरमाया कि अगर उसका, उसका जो आ, मतलब आ, जिसको हम ये ट्रोजर है पजामा जो कहते हैं ट्रोजर जो है सलवार जो है अगर वो उसके टखनों से ऊपर होती तो उसने क्या किया फौरन से अपना जो उसका जो कपड़ा था वो टखनों के नीचे जो है उसको फौरन से फौरन फाड़ दिया ठीक है इस तरह से वाक्य है कि वो जैसे ही उन्होंने हुक्म सुना उसी वक़्त उन्होंने उसकी ता, उसकी तामीर शुरू कर दी उसकी उसकी तामील शुरू कर दी इसकी तरह शराब की जो हरमत जब आई शराब के बारे में जब वाज अहकाम कुरान मजीद में आए और उसकी तलावत जो है उसके उसके हुक्म जो है वो पूरे पूरी की तरफ भागते थे लोग तो अल्लाह तो से दुआ है कि अल्लाह था हमारे दिलों को भी इतना मजबूत करे कि हम अल्लाह का हुक्म जैसे ही सुने उसकी तरफ लपके और जहां तक मुमकिन हो अल्लाह के हुक्म की फर्म जो फर्म बरदारी है उसको भी जबरी करें ताकि हम अल्लाह के करीब तरीन बंदु में से हो जाएँ और जब अल्लाह के इंसाफ का दिन करीब आए अल्लाह के इंसाफ का दिन हो तो हम अल्लाह की ख़ास रहमत में से कुछ रहमत हासिल करें और जन्नत के मस्त पर पर आए आमीन जारबल आमीन अल्लाह हम सब को ये तफीक और हिम्मत अता फ़रमाए आज का वक्त ख़त्म हो गया लेकिन अगर किसी को भी कुछ कहना है तो कल ज़रूर इस बारे में कह सकते हैं इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहते हैं अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो और कल से हमारे गल्फ़ में रमज़ान शुरू हो रहा है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस रमज़ान को हमारे